आयरलैंड को इतने ओवर में और इतने रनों से हराकर अभी भी वर्ल्ड कप के सुपर एट में पहुंच सकती है टीम पाकिस्तान। जानिए क्या कहता है वर्ल्ड कप 2024 के सुपर एट का पूरा समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर, साथ ही क्या आयरलैंड को हराकर अभी भी सुपर एट में क्वालिफाई कर पाएगी टीम पाकिस्तान, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम के लिए T20 विश्व कप की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी। आपको बता दें कि पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान टीम को USA के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद भारतीय टीम ने भी पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन कनाडा के खिलाफ जीत पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। पाकिस्तान की टीम ने कनाडा को 7 रनों से हराकर T20 विश्व कप 2024 के सुपर एट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा और इसके बाद रही सही कसर टीम इंडिया ने USA को हराकर पूरी कर दी। और इसके बाद एक समीकरण बैठा और वो समीकरण ये था कि पाकिस्तान की टीम अगर आयरलैंड को आखिरी मुकाबले में 15 या 20 रनों से हरा देती है या 3-4 विकेट शेष रहते ही मुकाबले को जीत लेती है तो पाकिस्तान की टीम सुपर एट में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन ये समीकरण तब तक था जब अगर आयरलैंड की टीम USA को अपने आखिरी मुकाबले में हरा देती, मगर USA और आयरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और दोनों टीमों को एक एक अंक मिल गए, जिसके बाद USA के खाते में कुल 5 अंक हो गए और USA की टीम ने सुपर एट में क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान की टीम अब सुपर एट की रेस से बाहर हो गई है। क्योंकि अगर वो आयरलैंड को हरा भी देती है या बेहतर नेट रन रेट से मुकाबला जीत भी लेती है तो वो 4 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। दोस्तों आपके मुताबिक आप पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने की सबसे बड़े गुनहगार किसे मानते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।